एक ऐसी घातक बीमारी जिसके चलते कुछ सेकंड में ही जानवर हो जाते हैं मृत। उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में बीते एक हफ्ते से सुअरों में एक ऐसी घातक बीमारी या वायरस डिजीज फैल रही है जिसका न तो कोई लक्षण है और न ही कोई संकेत। बीते एक हफ्ते में फिरोजाबाद के मायापुरी इलाके से 50 से 60 सुअरों की मौत हो चुकी है। तकरीबन कितने जानवर अब तक खत्म हो चुके हैं? हो गए 50-60 के लगभग। मौतों के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सुअर पालने वाले लोग घबरा रहे हैं। सुअरों की मौत की सूचना जब फिरोजाबाद पशुपालन विभाग को पता चली तो बीते गुरुवार को फिरोजाबाद पशुपालन विभाग की टीम मायापुरी पहुंच गई। मौके पर पहुंची टीम को भी नहीं समझ आया कि ये बीमारी आखिर है क्या। पशुपालन विभाग की टीम में जांच करने आई डॉक्टर सरनाम सिंह ने हमसे बात की तो उनका कहना था कि यह कौन सा वायरस डिजीज है अभी तक समझना मुश्किल है। इसकी जांच के लिए हमने ब्लड सैंपल ले लिए हैं और जैसे ही इसकी रिपोर्ट आती है तभी इस बीमारी का पता लगाना संभव हो पाएगा। तब तक के लिए लोगों को सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। डॉक्टर सरनाम सिंह ने पशुपालकों को सावधानी बरतने के तरीके भी बताए। उसका चारा पानी खाना सब अलग रखे और उसको इधर उधर ना जाने दे, दूसरे पशु को उससे ना मिलने दे और उसको हवादार जगह पे बांधे। वायरल बीमारी है, सांस लेगा दूसरे में जाएगा, सांस लेगा जहाँ सांस लिया छोड़ा वो दूसरे को ले रहा है तो उससे और बीमारी फैलने का डर रहता है। प्रवेश कुमार। प्रवेश जी, आपके मोहल्ले में क्या बीमारी फैल रही है जानवरों में? जिला फिरोजाबाद मायापुरी वार्ड नंबर 17 नगर निगम वाल्मीकि बस्ती में घातक बीमारी जो आ चुकी है इसका कोई इलाज समझ नहीं आ रहा है। यहाँ के जो पालने वाले हैं जानवर वो भी घबरा रहे हैं कि आखिर ऐसी बीमारी क्या है, इसका इलाज क्या है, क्या क्या होता है जानवर को? जानवर अच्छा रहता है, बिल्कुल खिलाते हैं दाना पानी, जैसे घूमता है और घूमते में बस गिर जाता है, ऑन द स्पॉट उसकी डेड हो जाती है। तो इसकी आपने कोई शिकायत पशुपालक विभाग में करी थी? पशु चिकित्सालय में फ़ोन से बात हुई थी, उन्होंने आज टीम भेजी है जो आपके सामने प्रेजेंट में चेकअप चल रहा है, यहाँ पर उपस्थित हैं। तकरीबन ये जो कितने दिन से चल रहा है? कम से कम ये 10 दिन से, मान लो 10 दिन से इतना जानवर खत्म हो गया कि नगर निगम के वाहन बुलाने पड़े जिनको खत्ताघर पहुंचाया गया। जानवर तादाद में अगर गिनती में करोगे तो करीब 50 के आरपार पहुंच गए। ज़्यादा पहुँच गए। कोई जानकारी दी? कल फोन से बात करी है। तो उनकी तरफ से क्या आश्वासन आया? आज टीम आई है। टीम क्या कह रही है? वो चेकअप कर रहे हैं जानवरों का। एक्चुअली क्या है कि अभी ये बीमारी डायग्नोज नहीं हुई है, इसका ब्लड सैंपल लिया है, इसके बाद ये लैब में जाएगा, माँ इसकी टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग होने के बाद ये पता चलेगा ये के बीमारी है। फिलहाल क्या रोकथाम के लिए क्या आपकी तरफ से? रोकथाम के लिए को यही निर्देश दिए गए हैं कि जो पशु इफेक्टेड है, बीमार हो गया है, उसको स्वस्थ पशु से अलग रख के उसका चारा खाना पीना जो कुछ सब अलग रखे उसको, और उसका मूवमेंट रोक दें, इधर उधर ना जाने दें और बाहर के सुअर इससे ना मिल पाएँ।